ही अचा के तो तुम लोग तरह थे गुलाब बु अर्ग पूर्व शु कुछ नजर लमजम पिपराई जी जब संपूर्ण रहते लम चम पिपराई जी जब संपूर्ण रहते अजुआसु अर्ग कितने चक्रे

गिलगित बल्तिस्तान पर कई किताबें लिखी जा चुकी है तो ये मुमकिन नहीं है कि इस इस छोटे से भी इलाक में तमाम चीज़ें का अतः कर सकें बहरहाल कोशिश है कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ और गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है आज भी वो इं, इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी आज से कई सौ साल पहले इम्पोटेंट थी इसके नार्थ में अफगानिस्तान है और चाइना है और इसके साउथ में और साउथ ईस्ट में इंडियन इ लिगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और इसके वेस्ट में चतराल है वो जो खैबर पख्तनखा का हिस्सा है इस इलाके का जो एरिया है सेवनटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्र किलोमीटर है और पापोलेशन इस अवराउंड वन पॉइंट सिक्स मिलियंस है और इसमें तीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं गिलगित बल्तिस्तान और चिलास और इसके टोटल दस डिस्टिक्स हैं इन इस इलाके में तीन बड़े इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो आके एक जगह पर मिलती भी हैं वो हिंदू कश है हिमालयास है और कराक्रम है और जिग्रोट के मकाम पर ये तीनों मिलती हैं और इसको हिस्टोरिकली बहुत सारे तारीख दानों ने इसके बारे में इसको रेफ़र किया इस रीजन के बारे में और सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन है जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं जिसको कहते हैं हिरोडोटस ने इसका मेंशन किया फोर्थ सेंचुरी बीसी को और उसमें मेंशन किया कि एरिया वेस्ट ऑफ रिवर इंडस और एकॉर्डिंगली जो दूसरे इम्पॉटेंट थे टोलमी उन्होंने भी इस इलाके को रेफ़र किया और उसका नाम दिया दर्दा क्योंकि यहाँ एक लोग कुछ रेफ़र करते रहे कि ये दर्द लोग यहाँ पे रहते हैं जबकि राजा तरंगनी की एक बड़ी मशहूर किताब है जो चौदह तेरहवीं सदी में लिखी गई थी और पंडित कालेहन ने इसको लिखा तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि नॉर्थ ऑफ कश्मीर की यहाँ पर एक कौम रहती है जिसको उन्होंने कहा था कि दरदा सा आ, उसका नाम है जो यहाँ पर रहते हैं बड़े किस्म के, के लोग हैं और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो इलाके हैं किशन गंगा का जो वैली वो है जिसमें आपका केल है गुरेज वाला एरिया हैंतौर वाले एरिया हैं ये शामिल हैं उन्होंने कहा था यहाँ पर ये यह लोग रहते हैं लेकिन इसको मॉडर्नाइज़ किया बैसे कि डॉक्टर लिटनर ने जब वो दो दफ़ा इस इलाके में आया उन्होंने एक किताब भी लिखी दर्दिस्तान के नाम से दो किताबें लिखीं तो बेसिकली उसने इस टर्म को बेसिकली कॉइन किया कि दर्दिस्तान को आ, तो बाहर और दर्दिस्तान के इतना लोग यहाँ पे रेफ़र नहीं करते हैं सेकेंड जो इंपॉर्टेंट नाम हुआ है वो है बलोर और बलोरिस्तान का जो मैक्सिमम यहाँ पे लोग इसको रेफ़र करते हैं बलोरिस्तान बज लोग इसको कहते रहते हैं और इस्पेशली चाइनीज़ इसको जो थे वो कहते थे पलो लो लो और वो कुछ और लोगों का ये ख्याल है ये बिगड़ के बलोर बना है और बड़े चाइनीज़ जो मशहूर जो पिलिग्रम्स थे जो बेसिकली जो ट्रेवल करते थे चाइना से टू दारेल और दारेल उस वक्त कहा जाता था बुद्धि सेंटर था वहाँ पे। बुद्धि अभी भी वहाँ पे रिमेंस हैं वहाँ पे एंड रॉक्स हैं वहाँ पे। तो वो लोग ट्रेवल करते थे वहाँ पे या फिर वो जाने के लिए गंदारा टेक्सला के लिए भी इसी रास्ते को यूज़ करते थे अपने गिलगित को लिटर बलो बलोर और गर्दों को रेफ़र करते थे बल्तिस्तान को ग्रेटर बलोर के तौर पे एक और किताब है है हदूद आलम इसमें भी इस इलाके के बारे में 1982 में ये किताब लिखी गई थी और उसके में मेंशन किया बलोर का अलबैरूनी ने टन थर्टी एटी फोर के दरमियान वो इस रीजन में रहा तो उसने भी इसको बलोर के तौर पे रेफ़र किया तारीख़ रशीदी है मिर्ज़ा हैदर की उसने भी इस इलाक़े को बलोर और बलोचिस्तान को रेफ़र किया आबासी कैलीफेड के दौरान भी इस इलाक़े को बलोर के तौर पर रेफ़र किया गया है मार्कोपोलो ने ट्वेल्व नाइन्टी एट में भी इस इलाक़े को बलोर कहा सो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं यहाँ पर जो रूलर्स थे प्रीविय जो एशन हिस्ट्री में उनको पटोला कहते थे कुछ लोग कहते हैं पटोला से ये बलोर हो गया सो so डिफरेंट है बट मजार्टी जो इस बात पर इतफाक़ करते हैं बलोरिस्तान का नाम कन्फर्म था और कुछ अभी भी लोग हैं या पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस नाम को यूज़ किया है और यूज़ कर रहे हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट नाम था ब्रुजो एंड ब्रुशाल और बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेस है उनका नाम वो है यशकुन है लेकिन यशकुन जो बाकी इलाकों में इसको यश कहते हैं लेकिन जब हंजा में, नगर में यासीन में इनको बुरु कहते हैं इनको बुरु कहते हैं इनको वर्शिक कहते हैं सो so, उस वजह से भी उनको इन इलाकों में जहाँ पर यशकुन मजार्टी में थे उनको बुरशाल कहा गया है सो so, बड़े मशहूर एंग्लो बुरशो जो अंग्रेज़ों और नगरी नगर के लोगों के दरमियान लड़ी गई थी बेसिकली बुरश इसी कौम को रेफ़र करती है जो वहाँ पर एटीन में लड़ी गई थी सो यहाँ पे बुरुशाल की भी हुकूमत रही बलोरिस्तान की भी हुकूमत रही और बुरुश फिर इसलिए भी कहते हैं कि आप समझ लें कि बुरश की जो लैंग्वेज है गुंजनगिर में या या यासिन में बोली जाती है उसको की कहते हैं गिलगित को मकामी तौर पर पहले सारगिन कहा जाता था लेकिन गिलगित को गलीत कहा जाता है लेकिन उसको ये हुआ कि दरमियान में अलबैरूनी ने इस को क्लकट के नाम से अपने तारीख में लिखा है कि इस एक इस तरह के रेफ़रेंस उन्होंने दिया है लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसको गिरिग्रत भी कहा लेकिन जब डोगरे और सिख यहाँ पर आया तो गिलीत गिलगित बन गया और जो नाम उन्होंने चेंज कर दिया तो अकॉर्डिंगली अभी भी गिलगित के जो मकामी लोग इसको गिलित कहते हैं लास्ट बुद्धिस्ट रूरत था श्री बदत और वो जो पीरियड को प्रॉबली सिक्स फोर्टी नाइन ए डी का था वह बुद्धि रूलर था और वो आदम खोर के तौर पर गिलगित में बड़ी स्टोरीज उसकी मशहूर है द लीजेंड ऑफ शेरी बदत पे मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था तो उसकी एक बेटी थी उसका नाम था नूर नूरब्श्श तो एक शहजादा आता है वो कहते हैं वो आया बेसिकली शिक्दस से था और पेशे से वो ईरान का था और लोग क्लेम करते हैं वो कियानी था जो कुछ लोगों का ये क्लेम था उसकी खैर शादी हो जाती है विद नूरब से और ये दोनों मिल के फिर फाइनली ये जो श्री बदत को मार देते हैं और इससे इस, इस शहजादे का नाम अजहर जमशेद था इससे आगे एक जो नस्ल चली उसको कहते हैं तरखान हैं और, और दूसरे जो मुगलोट थे ये जो इस ख़ानदान ने गिलगित में हुकुमरत हुकुमरानी की कुछ लोगों का ये दावा है ये 749 से लेके 1836 तक रूल किया है लेकिन कुछ ने जो अपने तहकीक के बाद कहा है कि 1400 से लेके 1822 तक तरखान और मगलोर्स ये हुक्मरानी करते रहे इन में एक जो ख़ातून रूलर थी मलिका जवार खातून उनका बड़ा नाम है पिछली गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक ददी जवारी पार्क ग्रैंड मदर जवारी पार्क बनाया हुआ है और ये ख़ातून का ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए स्पेशली गिलगित रीजन के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस्पेली फारीरी क्लाइम्बिंग दी एग्रीकल्चर लैंड गिलगित में भी और फिर गिलगित में जो दो नहरें हैं अभी भी गिलगित में हैं, ये इसी खातून मल जवार के बने हुए हैं और बनाने वाले दारेल के लोग थे इस पर उनके कंट्रीब्यूशन से खुश हो के खानबरी जो आजकल का जो इलाका है दारेल में इनको इनाम के तौर पर दिया गया था उस वक्त शाहरा रेशम आपको पता है सिल्क रोड यहाँ से गुजरती है इसमें डिफरेंट रास्ते हैं और अभी हम आप डिटेल में जाते नहीं हैं पुराने रास्ते गिलगित से हुंजा हुंजा से किलिक मंतका पास से चाइना उतरते थे, थे दूसरा ये था कि अस्तौर कश्मीर से आते थे अस्तौर से बोंजी और गिलगित हुंजा हुंजा से फिर कुंजराब से सीधे निकल जाते थे फिर दूसरा था हन्जर से शिमशाल चले गए शमशाल से मुश्ताक रिवर और फिर आगे पीछे आके याकुन में उतर गए और इस तरीके से ये डिफरेंट सिल्क रूड के रास्ते थे जो साउथ एशिया की तरफ आते थे और यहाँ से गुजरते थे एक और रास्ता था वो कराक्रम पास से था जो लद्दाख से होते हुए कश्मीर जाता था सो गिलगित उस वक़्त गिलगित और जो हुंजा था ये इंपॉटेंट ट्रांज़िट पॉइंट्स थे और इसमें हुंजा में गनिश का जो मकान हिस्टोरिकली सबसे पुराना गांव तस्वर किया जाता है तो वहाँ पे भी ये एक ट्रांज़िट पॉइंट पे कारवान जो आते थे यहाँ पे आ रुकते थे और इसके बाद इसी पे क्या एच बनी है और फिर सी पे का सिलसिला चला हुआ है सिक्स अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं सिक्स डोगरस और जो ब्रिटिश जब यहाँ पे आया और उन्होंने किस तरीके से किया जब तरखानों की हुकूमत डिक्लाइन पे गई तो यहाँ पे सारे इलाके में इंडिपेंडेंट रूलर्स थे यासीन में अलग थे और गिलगित में अलग राज्य थे हंजन आगे में अलग थे और इसी तरीके से सिकद्दम में शिगर में कपुल में चिलास में और इस तरीके से डिफरेंट किस्म के रूलर्स थे बट आपस में ये हमेशा लड़ाई में उनके आपस में लड़ाई होती थी स्पेशली यू यासिन के राजा गुहर थे वो फ्रिक्वेंटली इन्वेट करते थे एरियाज में सो एटीन फोटी वन में ही इन्विटेड गिलगित तो जब उन्होंने इन्विट किया तो उन्होंने आके वहाँ के जो राजा उस वक्त था सिकंदर खान को मर्डर किया और गिलगित पर कब्जा कर लिया तो उसका जो एक भाई जो उस वक्त चिलास वाली साइड में था मौजूद वो सिख दरबार में गया एंड ही रिक्वेस्टेड देम कि मुझे मदद की जाए अकॉर्डिंगली एक पहली दफ़ा एक सिख फोर्स कर्नल नथेशा के जैर कमान गिलगित आई और और ये दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम इन 1842 फोटी टू गिलगित की जो हिस्ट्री चेंज हुई रीशेप हुई दैट वाज़ व्हेन दे वाज़ एन आउटसाइड फोर्स वाज़ इंट्रोड्यूस इन गिलगित खैर ये आने के बाद दे वर एबल टू रिस्टोर दी राजा थ्रोन लेकिन बाद में यह हुआ कि 1844 में गौरमान ने दोबारा टेक किया और आके फिर इनको दोबारा उन्होंने गिलगित पे कब्जा कर लिया था सो so, 1846 में दोबारा गौरमान की और नत, कर्न शाह की गिलगित के और स्कर्ट्स पे एक जगह है बसीन वहाँ पे लड़ाई होती है तो फिर न, न, गोरामान रिटीट करके वापस यासिन चला जाता है और मेन टाइम में, में डोगरे टेक ओवर करते हैं सिखों से तो so, 1848 में गौरमान दोबारा अटैक करता है गोरखा रेजिमेंट जो आज के नपूरा नपूर एक जगह है गिलगित से के शहर के साथ साथ वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट से उधर भी अटैक करता है और नीचे जो गिलगित फोर्ट में जो डोगे इधर भी अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय कर देता है तो इस पर एक री आती है जो स्टेशन होती है बोंजी से और वो मशहूर जो भूप सिंह जनरल था वो एक हज़ार बारह सौ के, के फौज लेके गिलगित की तरफ रवाना होता है जब इनको खबर पड़ मिलती है तो दज़ ए प्लेस शॉर्ट ऑफ गिलगित जिगलोड से आगे आके उसको पड़ी कहते हैं वहाँ पे एक एम्बुश ले किया जाता है दरिया के इस तरफ गुहराम की अफवाज होती हैं और वह ब्लॉकेट भी इस्टेबलिश करते हैं और दरिया के उस पार हंजा के अफवाज आ जाती हैं सो इस तरीके से इनको ट्रैप कर देते हैं एक हज़ार के करीब लोग भूप सिंह के आर्मी के फौज मारी जाती है 200 के करीब लोग ये सरेंडर करते हैं और ये दे आर टेकन एज प्रिजनर 1860 में गरामान की तभी मौत हो जाती है सो जब इनको ये खबर लगती है डोगरों को तो डोगरा फिर एक फ़ौज लेके आती है एंड सब्सिकन्टी कोई इतनी रजिस्टेंस नहीं होती है वो गिलगित को ओकोपाई करते हैं और गिलगित वजारत बनाते हैं गिलगित वजारत मतलब समझ लें आजकल का डिप्टी कमिश्नर वो अपने बंदे वहाँ पर लगा देते हैं फिर जब ये गिलगित को अकोपाई करते हैं तो 1863 में उनका नेक्स्ट टारगेट ऑब्जेक्टिव होता है यासीन क्योंकि गोरामा ने इनको टफ़ टाइम दिया होता है सो दे दे वांटेड टू एवेंच देयर हिमिलशियन तो वो वहाँ जाते हैं और कोई बताते हैं कि 9000 के करीब इन्फेंट्री uh, थी 4000 थाउजेंड कैलरी थी वो जाते हैं वहाँ पर जाके जो मैसेकर वहाँ पर यासिन में करते हैं सो so दिल बहुत uh, दिलखराश वाक्य है तो हम इस पर इन अलग बात करेंगे इसमें हुआ एक्चुअल क्या था 1876 में इस इलाके की अहमियत को जो था दरमियान में बेसिकली काफ़ी जो ब्रिटिश थे दरमियान में इस इलाके में आते रहे हैं तो उन्होंने इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा कर लिया था सो दियर फोर एटीन में यहाँ पे मैं लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन बेडलफ को भेजा गया इन आफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कि वहाँ के स्पेशली टू वॉच नॉर्दर्न अप्रोच और यहाँ पर उनको शक था कि कोई यहाँ से नॉर्थ से अप्रोच करके ब्रिटिश इंडिया में आ सकता है और अकॉर्डिंगली मेड एन एजेंसी सो और इस दरमियान में ये हुआ कि जब इस दरमियान में एजेंसी बाद कुछ अर्से के बाद ख़त्म कर दी गई थी फिर खबर आई कि एक रशियन ऑफिसर है कैप्टन गोमस्की वो हन्जा आए हैं ही मेट दी मीर ऑफ हन्जा और एकार्डिंगली एक कोई अंडरस्टेंडिंग उनके दरमियान में डिवलप हुई सो देट वॉज दिस सिचुएशन जब इवेंट uh, था जिसको अलाम किया ब्रिटिशस को सो एटीन एटी नाइन को गिलगित को दोबारा उन्होंने एजेंसी बनाया और कर्नल एलेजन डिवर को उन्होंने दोबारा यहाँ पर पोलिटिकल एजेंट बना के भेजा एंड उसको बताया गया कि ही शूड नगोशिएट विध नगर एन हन्जा और ताकि वह एक्सस वो उनको ऊपर तमाम पासिस के तरफ दें जिस पे हजा वालों ने और नगर वालों का इन पर इनकार किया था तो इस पर एकॉर्डिंगली एक्सपडिशन वास प्लान 1891 को वो वो एक्सपडिशन इसमें बड़ी फ़ौज थी इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा इसमें मैंने एक वी लॉक भी किया दो सौ टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था तो इसको कहते हैं बड़ी मशहूर है एंग्लो बुरशो वार ऑफ एटीन इसमें एक नगर के लोग थे बिल्कुल उसके पास कोई वेपन्स थे एक नहीं थे और बिल्कुल अगेंस्ट हैवी हॉट्स उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और ये तमाम विथ लेटेस्ट वेपन्स के साथ आए हुए थे बट दे सक्सीडी बट लेकिन नगर के लोगों ने जो बहादुरी से लड़े तो उसके लिए देश वाइक सिंस वो वहाँ के लोग थे तो उनको बुरशो कहा जाता है तो ये लड़ाई हुई इसके बाद दे इंटर इन यासिन का जो उस वक्त जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जब ब्रिटिशस आए तो पार्ट ऑफ चतराल तो उन्होंने इसको वहाँ से अलग करके गिलगित एजेंसी में उसको शामिल कर दिया और पॉलिटिकल एजेंट वास डायरेक्ट डील कर रहा था तमाम पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्स को हुंजा नगर को और तमाम रीजन आप समझ लें ही वाज ऑल इन ऑल इन दिन रीजन अब हम देखते हैं मेन टाइम में चिलास में चिलास की क्या डेवलपमेंट्स थी हिस्टोरिकली 1843 में पहला अटैक सिखों ने किया जिसमें बसंत सिंह था एक सूरज सिंह था ये एक फ़ौज लेके गए वहाँ पे लोगों को काबू करने के लिए तो वो इसमें रिपल्स हुआ 1851 में दोबारा एक अटैक गया डोगरे इस दफ़ा गए तो वो इट वॉज़ ए पार्शल सक्सेस जो चिलास का फोर्ट था इन्होंने तबाह कर दिया था एटीन में दोबारा एक एक्सपडिशन गया और इसमें देवर एक्सेस से सक्सेड इन ऑक्यूपाइंग चलास और इसके बाद दरमियान में उनको फिर खबर पता चली डिवरण को कि जी बेकोस्तान के लोग दारल तागिर के लोग दे आर प्लानिंग टू अटैक चिलास ताकि उसको रिकप्चर कर सकें अकॉर्डिंगली एटीन नाइनटी टू में मेजर रॉबर्टसन का एक एक्सपडिशन यहाँ पर भेजा गया टू इसको काउंटर करने के लिए फिर वो जब वहाँ पर आया तो आकर चिलास को कहते हैं चिलास वॉज ए बर्न लेकिन इसके बावजूद जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म नहीं हुई फिर एटीन में डेर एंड हिम सर्फ कैम और उसमें भी बड़ी बैटल लड़ी गई और इसमें तकरीबन थ्री फिफ्टी चलासीज इसमें इस बैटल में मारे गए थे एंड दिस वाज द टाइम जब बाबू सर रोड को उन्होंने इस्टेब्लिश किया उन्होंने कहा दिस इज देर फ्लैंक और यहाँ पर उनको थ्रेट है सो दियर दिस रोड वॉज डेवलप टू लिंक विद दी हज़ारा जो था और उन्होंने कहा था एक ईजी एक्सेस होगा आ, बने कश्मीर या दूसरे जगहों पर जाने के लिए अब सिकर्दों में ये था सिकर्दों में उसका जो इम्पोर्टेंट रूलिंग फैमिलीज थी मकपून जो थे वो रूल कर रहे थे सिकर्दों में थे वो रौंदों में थे तोलती में थे परकोता में थे और जबकि जो दूसरे जो थे यबगुदेव थे वो चोरबट वाले एरिया में थे खपुल में थे कृष में थे तो आप समझ ये बेसिकली श्योक वैली जो थी यबगुपे फैमिली की रूलिंग फैमिली के पास थी और अमाचा जो थे वो शिगर में रूल कर रहे थे उसी तरह शिकर्दों में भी एक थ्रोन की लड़ाई हुई तो एवं मोहम्मद शाह सनाफ़ अहमद शाह उस वक़्त जो थे वो भी गए सिखों के पेशे मदद के लिए और वहाँ से वजीर जोरावर सिंह अफवाज ले कर आया दस वह आके सिखों ने यहाँ पर फिर कब्जा कर लिया इट टेकन ओवर बाई डोगरास तो हम ये कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो कुछ बड़े अच्छे जो, जो मिलिट्री रूलर्स या जनरल्स प्रोड्यूस किए हैं घोरामान एक उनमें से था सेकंड राजा आज़ूर खान था जिस तरीके से एंग्लो बुरशो वार को अपने लोगों को लीड किया फिर दिन अली शेर खान इन चंद उनका बड़ा नाम था कि जिस कभी वो लद्दाख से लेकर चतराल तक उसके एरिया रिस्पांस, रिस्पांसिबिलटी थी 1930 में गिलगित स्कॉट्स को रेस किया पहले पुनियाल लेवीज थी उसको डिसबैंड करके स्कॉट्स को रेस कर दिया गया नाइनटीन को गिलगित वजारत को लीज पे ले लिया था ब्रिटिशस ने महाराजा से फॉर सिक्सटी ईयर्स वजारत मैंने आपको बताया था एक छोटा सा एरिया था जिस तरह तो आपको बताया वजारत जो गिलगित सराउंडिंग का एरिया था इसमें पोलिटिकल डिस्ट्रिक्स का कोई जिक्र नहीं था और बाकी जो एरियाज थे हंजा नगर का इसमें कोई जिक्र नहीं था जब पार्टीशन का हुआ थ्री जून नाइनटीन फोटी सेवन का हुआ तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस इंटायर गिलगित एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया टू महाराजा सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट अगस्त 1947 को ब्रिगेडियर गनसारा सिंह कैम एज ए गवर्नर ऑफ गिलगित गिलगित यहाँ पे आए तो उस वक्त ये था कि गिलगित के लोगों ने और गिलगित स्काउट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज़ ए गवर्नर वो एक आउटसाइडर था यहाँ पर हंड्रेड परसेंट मुसलमान थे सो देर फोर पहले यहाँ पर लोगों ने अपना जहन बना लिया था स्काउट्स ने भी कि उन्होंने आप लिबरेट करना है और अपना आप को पाकिस्तान के साथ ज़म करना है सो अकॉर्डिंगली इकतीस अक्टूबर को गवर्नर का जो रेजिडेंस था उसको दैट वाज बाय बाई स्काउट्स एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिसमें सिपाही अमीर हयात शहीद हुए थे जो पहले शहीद हैं गिलगित बल्तिस्तान की लिब्रेशन के उनका तल्लु से था और सिपाही शिफा अली वो जिनका ताल्लुक नगर से था वो ज़ख्मी हुए एंड मॉर्निंग में ब्रिगेडियर गंसारा सिंह ने सरेंडर किया है हिमसरफ टू सुबदार मेजर गिलगि कोर्स सुबदार मेजर दैन लेटर कैप्टन बाबर खान को और तीन नवंबर 1947 को ही साइन दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ सरेंडर और फिर दैन पाकिस्तान का झंडा जनरल लहराए गकॉर्डिंग गार्ड ऑफ ऑनर वॉज प्रजेंटेड और फिर यहाँ पे स्काउट्स ने जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बनी थी जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी दे रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू टेक ओवर द रीजन के हमने लिबरेट कर लिया है सर दिस इज़ हाउ पीपल ऑफ गिस्तान जवाइन पाकिस्तान अनकंडीशनली और ये पाकिस्तान से मोहब्बत और इस्लाम से मोहब्बत की की वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान के साथ अपने आप को ज़म किया इसके बाद ए, जब आज़ादी हुई तो ए, पहला जो पोलिटिकल एजेंट था गिलगित का सोलह नवंबर नाइनटीन फोटी सेवन को सदर आलम कैम्प तो गिलगित पोलिटिकल एजेंट ऑफ तो पाकिस्तान और इसके दौरान में यह हुआ कि 1949 और फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वी गिलगित बल्तिस्तान रिमेन अंडर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दैन और इसके बाद ये हुआ कि 1949 में जो कराची एग्रीमेंट हुआ तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ने रिस्पांसिबिलिटी खुद ले ली थी एंड देन अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स इन नॉर्दर्न एरियाज वाज क्रिएटेड और 1951 में जो दारेल और तांगिर उस वक्त इंडिपेंडेंट थे दे आल्सो जॉइंट पाकिस्तान और 1972 में ऐसा हुआ कि जो और नगर की स्टेट उस वक्त चल रही थी उनको ख़त्म कर दिया गया एंड फॉर्मली दे वर इंटेग्रेटेड इनटू द रीजन ऑफ गिलगित बल्टिस्तान और सब्सिकट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी इसमें डेवलपमेंट्स की और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए 2009 में नॉर्दर्न एरियाज को वास नेम वास री नेम डिवीजन ने को एज गिलगित बल्तिस्तान और सब्सिकट अभी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस रीजन को प्रोविंस बनाया जाएगा और बट सम ये अभी तक डिले हुआ है बट चांसी यही है क्योंकि तमाम जो गवर्नमेंट वाले और अपोजिशन वाले आन बोर्ड थे कि इसको एक इंटरम प्रोविंस बनाया जाए और इसको लिंक किया जाए विद फाइनल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इश्यू के साथ तो उम्मीद है आपको आज का वी लाग पसंद आया होगा वी लाग देखने का शुक्रिया पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद